8:20 हो रहे हैं और गाड़ी में अभी हमारे वो ऑडोमीटर में 3009 किलोमीटर, 4 घंटे का सफ़र दिखा रहा है। लगाया हमने हरिद्वार, देखते पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। बादल ले रहे हैं, धूप तो निकल नहीं रही है, साथ में चल रही है हमारे मेट्रो और हमारी बाइक भी होपफुली मस्ताना चले। 4 घंटे का सफ़र है, अप एंड डाउन करने की सोच रहे हैं आज हम हरिद्वार से, और निकले भी देर से हैं, तकरीबन 8:30 हो रहे हैं, 8:22। देखो कैसे चलते हैं और कहां तक पहुंचते हैं। अभी गए पहले फ्यूल अप करना है थोड़ा सा, और फिल अप कर लेते हैं, थोड़ा कम है। अंदर तक जाता नहीं है नोजल इसका, तो ध्यान रखना। बस बस 716, ठीक है। देखो यार दोनों तरफ खेत की हरियाली। आपकी बार हमने गंगा कनाल वाले से लेफ्ट नहीं लिया, हम आ गए सीधा और हापुड़ वाले रोड से जा रहे हैं। पीछे हमने बाईपास तो पूरा क्रॉस कर दिया, हमने सोचा चलो अंदर से चलते हैं। ये चारा खाने वाली है, यहाँ से हम चलते हैं हाईवे की तरफ। सेम जगह पे आ गए यार हम लोग तो, बर्गर किंग। और यहाँ तो सब जगह गर्मी है यार, वहीं लगा देते हैं आगे। चलो बर्गर किंग पे रुके, कुछ 2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद घर से निकले थे 8:30 बजे के आसपास। बढ़िया सफ़र है, आज धूप भी थोड़ी हल्की है। फिलहाल यहाँ निकल गई है हरिद्वार में होने वाली बारिश। हमारी गाड़ी यार यहाँ पर ही खड़ी हुई है, बाइक, और कुछ ब्रेकफास्ट फास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करके, हाँ जी सब अकेले खा ले तुमने, है ना? कॉफ़ी देखो मैडम, ब्लैक कॉफ़ी। एक छोटे से सफ़र पे, डे ट्रिप है लेकिन छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा है दिल्ली से हरिद्वार का। सुबह उठे और दिमाग घूमा और बाइक ली और निकल लिए, आए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। 2 घंटे के आसपास यहाँ से और हरिद्वार लगेगा, यहाँ से निकल के 2 घंटे लगा के हम हरिद्वार पहुँचेंगे। हरिद्वार में कुछ हल्की बॉडी में बैठेंगे, ठंडे पानी में अगर मन किया तो नहा भी लेंगे, डुबकी लगाएंगे, और शाम के टाइम जब धूप ढल जाएगी वहाँ से वापस चलेंगे, शाम को 10-11 बजे के आसपास चलेंगे। और हमने बाइक में जो ऑक्स लाइट इंस्टॉल कराई है बेसिकली, शाम को उसकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। तो जी बोले जी, दिमाग घुमाया किसी ने? बजरे भी 11, कुछ ऑर्डर किया हम लोग ने, काफी रहे, खा के निकलते हैं। 11:46 हो गए हैं, आइए चलते हैं। ब्रेकफास्ट करके निकल लिए यार, ब्रेकफास्ट क्या ब्रंच हो गया बेसिकली। यहाँ से कुछ अभी और 2 घंटे के आसपास दिखा रहा है, 105-3 किलोमीटर के आसपास है। हमारी स्पीड नॉर्मल 80-90, तो मतलब इतनी स्मूथ चलती है इस बाइक के ऊपर, पता ही नहीं लगता कि कहाँ तक जा रही है, चल भी रही है बाइक की नहीं चल रही है। फिलहाल चलो चलते हैं हम आगे की तरफ। ये है फायदे इसके यार, देखो ओवरटेक लेने के लिए। बाइक तो एकदम टॉप टॉप चल रही है, ये 3rd टोल आ गया है हमारा, और हमारे को तो रुकना ही नहीं है टोल पे, और ना टोल देना है। बाइक के कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं। फ़ायदा इतना सा कि थोड़े पैसे बच जाते हैं, नुकसान ये है कि गर्मी, धूप, सर्दी, पानी, हवा, बारिश सब लगती है। हाँ एक और फ़ायदा है, बाइक अगर आपकी बढ़िया है जैसे हमारी हिमालयन है, आपको ट्रैफिक में फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्टेंस कवर बहुत अच्छे से कर सकते हो अच्छी हाई क्रूजिंग स्पीड पे। अभी हमने चलाई अराउंड 30-40-20, मतलब क्या चलती है यार। पहुँच गया भाई हम हरिद्वार, और अभी क्या टाइम हो रहा है, 1:10, 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद भी हम यहाँ पहुँच गए इतनी जल्दी। वैसे तो हम यहाँ पार्किंग लगा के यहीं चल सकते हैं, आओ देखते हैं नीचे कैसे जाते हैं। यहाँ तो यार गर्मी बहुत है यार, नहा भी बहुत रहे। कहाँ चले, आगे चलो कहीं। चलो चलते हैं आगे की तरफ। आई साहब यहाँ से है व्यू, आगे जाके वैसे तो गंगा घाट है, नदी के पास चल सकते हैं थोड़ी देर में, बस फिलहाल बैठते हैं अंदर। हाँ जी चलो आओ कुछ खाते हैं। बिल्कुल ऋषिकेश में रिवर व्यू के सामने रूफ टॉप कैफे है, कुछ खाना वाना खाते हैं, लंच करते हैं, घर में भी बहुत बार, उसके बाद चलेंगे सामने घाट के अंदर, वहाँ वहाँ से
शाम को थोड़ा एक आध घंटा बैठने के बाद फिर चलेंगे घर पर। देखिए भाई रेस्टोरेंट बैठने उठने के लिए तो सही है। हाँ चलते अंदर भाई। मौसम इतना बढ़िया हो गया यहाँ पर। हमारे जस्ट पीछे त्रिवेणी घाट है, बाय वॉक है, पार्किंग यही हम लगी रहने के। भाई यहाँ छोड़ के नीचे चलते हैं, ड्रोन शॉट लेते हैं, बहुत मज़ेदार व्यू आएगा यहाँ से। यहाँ हमने कुछ लंच वंच किया है एल बी। चलो जी मेन रोड से ही एंट्रेंस है यार घाट का, तो साथ में ही था एकदम, पर बहुत ज़्यादा स्टीप है स्टेयर्स, देख के उतरना। स्टेयर से ऊपर आने के बाद इतना बढ़िया बना रखा है त्रिवेणी घाट। हाँ जी त्रिवेणी घाट है वो सामने, वही त्रिवेणी घाट है वो। हाँ भाई व्यू देखो यार, चेक करो पूरा ऐसा बना रखा मरीन ड्राइव। यहाँ से मज़ा नहीं आया ना इस व्यू से, अभी आपको ऊपर से दिखाते हैं। गंगा नदी के किनारे छाए में बैठे हुए आराम से, वो देखो कहाँ जा रही हो, देखना पीछे। अब चलने का समय आ गया तो हवा इतनी बढ़िया चल रही है हैं? लेकिन भाई कहाँ चढ़ना है, मैं देख लू स्वर्ग स्वर्ग लोग जा रही है सीढ़ी। ये हमारे कैमरामैन को देख लो, ए कैमरामैन चलो पर। मैं ऋषिकेश से निकल रही हूँ हम लोग वापस, अभी बज रहे शाम के 5:20। मैप हमें दिखा रहा है 5:04 के आसपास, 10:30 के आसपास एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है दिल्ली का। टोटल किलोमीटर है 231 और अच्छी खासी बाइक चल रही है। शाम हो चुकी है, धूप अभी तो खैर ढली नहीं है, लेकिन ये कि हाँ मौसम उतना तेज़ गर्म नहीं है जैसा दोपहर में हो रहा था, तो आराम से चलेंगे यार बढ़िया 80-90-100 के आसपास। और इस पर इस बार मैंने बाइक का मैप लगाया ताकि मुझे बाइक का रोड दिखाए, अदरवाइज़ वहाँ पर वो मेरठ एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाती है, तो होपफुली अब उसके हिसाब से लेके चलेगा ये, हमें मेरठ एक्सप्रेस वे पर नहीं लेके जाएगा। राइड बढ़िया हो यार, मतलब आई नेवर थॉट ऑफ डूइंग हरिद्वार इन अ सिंगल डे अप एंड डाउन, बट नाउ वी हैव डन इट। देख रहे हो भाई मैं चल रहा हूँ 75 पे, अरे भाई साहब देखो बच्चे को सामने हैंडल पे लटा के स्प्लेंडर 80 के ऊपर भगा रहे हैं। यहाँ तो लाल वाला जाम लग रहा है भाई, क्या कारण है। शाम के हो गए 7:15, मुजफ्फरपुर आरम ने कर दिया पार, दिल्ली यहाँ से अभी कुछ 130 किलोमीटर मोर। और भाई साहब शाम के टाइम लोग ऐसे चलाते हैं गाड़ी, कौन कहाँ किसके ऊपर चढ़ जाएगा कुछ नहीं पता भाई। हरिद्वार से 2 घंटे चलने के बाद कुछ 130 किलोमीटर के आसपास हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है, कुछ 120 के आसपास कार हमारा कर रहे हैं, चलेंगे आराम से मस्त। ये राइडर मेनिया वाली बाइक चलाओगे, अरे भाई हाँ बॉटल अंदर रख लिया। 725 हो गया है किलोमीटर बचे हैं कुछ 130 के आसपास घर तक, चलते हैं अभी। गूगल के हिसाब से भी रात हो गई यार, गूगल भी ब्लॉक हो गया हमारी,
बाइक की स्क्रीन भी ब्लैक हो गई। चलो बच गया टाइम 7:37, 120 किलोमीटर मोर। चले चलो चले चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मज़ेदार है भाई। अपर गंगा कनाल रोड है, यहाँ तो थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, बन गया दोबारा से, वरना उससे पहले तो इतना टूटा फूटा था, इतने खड्डे उसके अंदर भाई, सुनसान हो, खड्डे आ गए भाई, नाम लिया और खड्डे वापस। तो आराम आराम से चल रहे भाई, देख देख के इसके ऊपर। रात के बज गए हैं 8:15 और 2.25 घंटे का सफ़र है, 95 किलोमीटर, पहुंच जाएंगे आराम आराम से भाई। रात के बज रहे हैं 9:30, हम पहुंचे हैं इंदिरापुरम, ब्रेक ले रहे हैं पानी का, पानी ब्रेक लेके भी चलते हैं भाई। बज गए रात के 10 और हम हैं सुपरनोवा टावर के पास, कालिंदी कुंज का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। हम चले थे कुछ 5:30 के आसपास, तो 4.5 घंटे में हम दिल्ली आ चुके हैं, और यहाँ से 15-17 मिनट दिखा रहा हमारे घर का, मतलब मान के चलो कि 5 घंटे में, 5 ही घंटे दिखा भी रहा था वहाँ से, 5 घंटे में अपने घर पहुँच जाएंगे आराम से। 4 घंटे जाने के, 5 घंटे आने के, 9 आवर्स ऑफ राइड, ऑलमोस्ट 520 किलोमीटर्स।